नमस्कार, वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर या लेक्चर नंबर 60 है और यहाँ पर हम मल्टीपल डिटोनेटर्स जब हम एक होल के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। फॉर वेराइटी ऑफ रीजन्स, कई कारणों की वजह से हम एक होल के अंदर एक से ज्यादा डिटोनेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि कहीं पर हमको डिस्चार्जिंग करने की वजह से करना पड़े, यानी कि बीच बीच में एक्सप्लोजिव कॉलम में गैप देना पड़े। हो सकता है कि फॉर्मेशंस की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के अंदर डिफरेंस हो, एक ही होल के अंदर दो तीन ऐसे कुछ फॉर्मेशंस नजर आ रहे हो। लेकिन मोस्टली जब होल की लेंथ ज्यादा होती है तो चूंकि इनिशिएशन ऑफ एक्सप्लोसिव कई बार पूरा नहीं हो पाता है तो हमें एक्स्ट्रा बीच में बूस्टर या प्राइमर अलोंग विथ डिटोनेटर देने की जरूरत होती है। ऐसी सूरत में जब बताया गया है कि 25 मीटर का अगर होल है तो उसमें नेसेसरीली हमें एक ऊपर और एक नीचे डिटोनेटर देना चाहिए ताकि ब्लास्ट एफिशिएंटली हो सके और जो ब्लास्ट वेव्स है, जो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन है, वो सीज नहीं हो जाए और सारा एक्सप्लोसिव कॉलम इनिशिएट हो और एक हमारा साफ सुथरा, इफेक्टिव और इकोनॉमिकल ब्लास्ट हो सके। एक चीज ध्यान में रखना है कि नॉनेल ट्यूब जो है उसके अंदर एक मिली सेकेंड में 2 मीटर की रफ्तार से इनिशिएशन आगे बढ़ता है, यानी कि वीओडी आगे बढ़ता है। ये इसका एक सामान्य गणित है। जो कॉर्टेक्स फ्यूज या डिटोनेटिंग फ्यूज होती है उसमें रफ्तार ज्यादा होती है, करीबन 6 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, जबकि इसमें 2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। तो 2 मीटर 1 मिलीसेकंड में चलता है इसके अंदर का वेव, ऐसा हम मान सकते हैं। तो कई कारणों से हम मल्टीपल डिटोनेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जनरली जब 10 मीटर से ज्यादा अगर लेंथ हो होल की तो यहां पर हमें 2 प्राइमर का इस्तेमाल करना चाहिए और दोनों जाहिर है मिलीसेकंड इनका वो रहेगा, ड्यूरेशन मिलीसेकंड्स 1/1000 सेकंड्स का। और अगर ये होल शॉर्टर देन 10 मीटर है तो एक डिटोनेटर भी या एक प्राइमर भी हमारा काम कर जाएगा। ऐसी सूरत में ये होता है कि एक डिटोनेटर नीचे लगाया जाता है बॉटम ऑफ द होल पे और एक बिलो द स्टेमिंग टॉप में लगाया जाता है। नीचे वाला इनवर्स इनिशिएशन के स्वरूप में उसे रखा जाता है और जाहिर है ऊपर वाला डायरेक्ट रखेंगे ताकि जो ब्लास्ट वेव्स है दोनों डिटोनेटर्स की वो टुवर्ड्स द एक्सप्लोसिव ट्रैवल करें। जो शॉक ट्यूब बाहर निकलती है उसकी लेंथ जो है 0.6 मीटर के आसपास रखी जाती है ट्यूब जो होल के बाहर, ज्यादा भी नहीं रहनी चाहिए, ये कम भी नहीं रहनी चाहिए और सारे कनेक्शंस आइडेंटिकल होने चाहिए। ये ध्यान में रखना है कि शॉक ट्यूब्स जो है, जो भी नॉनल की जो ट्यूब्स होती है नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स की, वो चाहे किसी भी किस्म का हो, उसको वहीं काटना है जहां हमारे को साइट पर जरूरत है, पहले से काट के नहीं रखना है और सारे कनेक्शंस वगैरह चेक करना है। और शॉक ट्यूब को तभी काटना है क्योंकि जनरली हम लोग जब इसको इनिशिएट करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं जहां से शुरू में हम उसको शॉक देते हैं या हम शुरू में जहां इनिशिएशन ये करते हैं। तो जो वोल्टमीटर से हम कनेक्शन चेक करेंगे ये भी बिल्कुल शुरुआत में जब वो ब्लास्ट होने के पहले इमिडिएटली पहले इसे करना चाहिए। कि यहां पर ये एक फेस है जिसमें ये फ्री फेस है, ये जो ऊपर डबल लाइन मैंने बनाई है दैट इज फ्री फेस, और ये एक होल है, ये 10 मीटर से ज्यादा लेंथ का है समझ लीजिए। तो इसमें हम लोग ये एक ऊपर प्राइमर दे रहे हैं और ये नीचे प्राइमर दे रहे हैं और ये यहाँ पर ये प्राइमर की लेंथ पे आप मत जाइए, ये थोड़ा सा
ठीक से बनानी है, दोनों की लेंथ एक हो सकती है। और यहाँ देखिए ये ऊपर डायरेक्ट इनिशिएशन है, इस तरफ आपका डिटोनेटर रहेगा और ये इनवर्स इनिशिएशन में है। एक शॉक ट्यूब इसमें से बाहर निकल रही है, ये येलो कलर की, एक ये ग्रीन वाली जो है ये ऊपर वाले से बाहर निकल रही है, तो दो ट्यूब्स इसमें से निकल रही है। ये ऊपर वाला 500 मिलीसेकंड का है और नीचे का 475 मिलीसेकंड का है, तो जाहिर है नीचे वाला पहले ब्लास्ट होगा ताकि हमको टो प्रॉब्लम्स से रूबरू नहीं होना पड़े, और ये 25 मिलीसेकंड के बाद यहाँ ब्लास्ट होगा। ये डबल डिटोनेटर या डबल प्राइमर हमने इसलिए लगाए ताकि अच्छे से ब्लास्ट ये हो सके, और ये समझ लीजिए कि 12-15 मीटर का होल हो सकता है। अब यहाँ सरफेस में कनेक्शंस कुछ ऐसे करेंगे, ये होल्स है, मान लीजिए 6 होल्स यहाँ दिखाए गए हैं, तो इस तरफ जो कि फ्री फेस है, और हम मान लें कि चले इस तरफ भी फ्री फेस है, तो हमें एक ऐसा डायगोनल ब्लास्ट करना होगा, तो पहले ये वाला होल ब्लास्ट होना चाहिए, उसके बाद में फिर ये दो होंगे, फिर उसके बाद में ये दो होंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये है कि ये एक यहाँ से पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है और ये एक नॉनल सरफेस टाइप का डिटोनेटर है। आप जानते हैं कि नॉनल सरफेस में कुछ नहीं होता, एक तरफ ये डिटोनेटर लगा होता है एक ब्लॉक के अंदर, जिसके अंदर कोई 8 और भी ट्यूब्स को, शॉक ट्यूब्स को अकोमोडेट किया जा सके, और दूसरे सिरा बिल्कुल खाली होता है और ये शॉक ट्यूब जो है यहाँ तक आई है, इसको यहाँ से हम इनिशिएट कर देंगे। अब ये जो नॉनल सरफेस है, इसमें चूंकि बहुत सी सुराख है, 8 सुराख है, इसके अंदर 8 शॉक ट्यूब्स को अकोमोडेट कर सकता है, तो इस नंबर वन होल के ये जो दो इन द होल डिटोनेटर्स जो है उसके जो शॉक ट्यूब्स आए हैं उसको हम यहाँ अकोमोडेट कर सकेंगे। और यहाँ से जब ये इनिशिएट होगा तो इन दो डिटोनेटर्स को वो आफ्टर दिस 25 मिलीसेकंड ब्लास्ट कर देगा, तो ये पहले नीचे ये वाला ब्लास्ट होगा, फिर ये ब्लास्ट होगा, तो ये पहला होल जो है दिस इज फर्स्ट टू गो ऑफ। उसके बाद इसके अंदर चूंकि और भी सुराख है, तो एक नॉनल सरफेस ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा तस्वीर में जो दिखाया गया है, और दूसरा नॉनल सरफेस इस तरफ चला जाएगा। अब ये जो नॉर्मल सरफेस है इसमें भी 25 मिलीसेकंड का वक्फा दिया हुआ है, 25 मिलीसेकंड का इसके अंदर डिले अरेंजमेंट है, तो इस होल के 25 मिलीसेकंड के बाद ये वाला होल ब्लास्ट होगा। अब इन सारे ही होलों में जो दो डिटोनेटर है, एक 500 का है और एक 475 का है, सारे होल में यही अरेंजमेंट है इन द होल डिटोनेटर्स के अंदर, तो इट इज द सरफेस डिटोनेटर, इट इज द नॉनल सरफेस विच इज डिटरमाइनिंग द डीले, यानी जो डीले हो रहा है वो इस नॉनल सरफेस की वजह से होगा। तो ये होल ब्लास्ट होने के बाद, ये 25 मिलीसेकंड के बाद और ये भी 25 मिलीसेकंड के बाद, यानी कि ये दोनों होल साइमल्टेनियस ब्लास्ट हो गए अगर ये दोनों का सरफेस वाले का डीले 25 मिलीसेकंड का है, जैसे कि हम मान के चल रहे हैं। इसके बाद इसमें से ये जो होल है इसमें आप देखिए कि ये यहाँ से एक इसके साथ भी आया हुआ है और ये एक यहाँ गया हुआ है, तो इसके 25 मिलीसेकंड के बाद में ये दो होल ब्लास्ट होंगे, तो ये दोनों तो साइमल्टेनियस हो जाएंगे और ये भी दोनों साइमल्टेनियस हो जाएंगे जो कि इसके 25 मिलीसेकंड के बाद में ब्लास्ट होंगे, या समझ लीजिए इसके भी 25 मिलीसेकंड के बाद ब्लास्ट होंगे। तो इस प्रकार से हमको एक डायगोनल लाइन मिलेगी और दिस इज हाउ वी कैन गेट टेक एडवांटेज ऑफ फ्री फेसेस, और दोनों फ्री फेसेस का हमको फायदा मिल जाएगा और ये यहाँ पर इसको ब्लास्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने इन द होल एमएस डिटोनेटर्स ये वाले इस्तेमाल किए जो पावरफुल डिटोनेटर्स हैं और वो प्राइमर में घुसते हैं, जबकि यहाँ पर जो है ये 25 मिलीसेकंड का कमजोर सा डिले वाला एक डिटोनेटर होता है जो कि इवन शॉक ट्यूब को भी डैमेज नहीं करता है, सिर्फ शॉक वेव्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ताकि इनिशिएशन यहां तक पहुंच जाए। यहां देखिए थोड़ा सा इसको एक्सपांड करके दिखाया गया, ये ऊपर का 500 मिलीसेकंड का है, नीचे का डिटोनेटर जो नीचे के प्राइमर में लगा है दैट इज 475 मिलीसेकंड, और ये सरफेस पे नॉनल सरफेस जो 25 मिलीसेकंड का वो इससे ज्वाइन कर रहा है, तो एट ए टाइम दोनों ट्यूब्स में शॉक वेव जा रही है, लेकिन ये पहले ब्लास्ट होगा जो
क्योंकि इसमें डीले कम है 25 मिली सेकेंड का, और ये 25 मिली सेकेंड बाद ब्लास्ट होगा इसके, तो हमको टो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और यूँ तो देखने के लिए ये पूरा होल ही एक साथ उड़ जाएगा, ये इन द होल वाले डिटोनेटर्स है। और यहाँ देखिए ये जो अरेंजमेंट होती है प्राइमर के अंदर या बूस्टर के अंदर, तो ये बूस्टर में जब डिटोनेटर घुस जाता है तो हम उसको प्राइमर कहते हैं, और कोई खास टेक्निकल डिफरेंस इसमें है नहीं। अब ये जो बॉटम वाला है इसमें देखिए ऐसे सुराख इस बूस्टर के अंदर बने होते हैं, जिसमें से ये डिटोनेटर जो है इन द होल वाला ये इस प्रकार से इसको इंसर्ट किया जाता है। तो ये एक इन्वर्स इनिशिएशन दे रहा है ताकि इसकी जो ब्लास्टिंग वेव्स है ये इस तरफ ऊपर की तरफ हो, चूंकि यहाँ पे एक्सप्लोसिव का कॉलम है। उसी प्रकार यहाँ कुछ ऐसे सुराख होते हैं ताकि ये हमको इस प्रकार से इसके डायरेक्शन ऑफ ब्लास्ट इस प्रकार मिल जाए, और ऊपर से जो वेव्स आए शॉक वेव्स वो अगेन इट इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स दी एक्सप्लोसिव इन द होल। तो इस प्रकार से हम एक अच्छा ब्लास्ट इनिशिएट कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर का इन कनेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, दो कनेक्टर्स के बीच में या इन द होल डिटोनेटर की जो ट्यूब निकल रही है उसमें और कनेक्टर के बीच में। इसको मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि तीन प्रकार के मोटे तौर पर ये शॉक ट्यूब वाले डिटोनेटर्स होते हैं नॉन एल वाले, जैसे कि ये MS मतलब मिली सेकेंड डाउन द होल, DTH या इन द होल भी कहते हैं इसको, जिसमें एक सिरे पर कुछ नहीं एक डिले टैग लगा हुआ है और इट इज़ फ्री, और दूसरे सिरे पर एक पावरफुल डिटोनेटर लगा हुआ है विच कैन इनिशिएट द प्राइमर। दूसरा ये ड्यूअल वाला होता है, एज द नेम सजेस्ट एक तरफ तो ये पावरफुल डिटोनेटर होगा जो प्राइमर में जाएगा, और दूसरे हिस्से पर एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर सुराख होते हैं 8 ट्यूब्स को अकोमोडेट करने के लायक, और इसमें भी एक छोटा डिटोनेटर होता है जो बहुत कम स्ट्रेंथ का होता है और उसमें भी डिले अरेंजमेंट होती है। और ये तीसरा नॉन एल सरफेस है जिसमें एक तरफ ये ब्लॉक है जिसके अंदर कमजोर वाला डिटोनेटर है और इसमें सुराख भी है 8 ट्यूब्स को अकोमोडेट करने के लायक, और दूसरा सिरा ये खाली होता है और इसमें डिले टैग लगा होता है, जाहिर है इसमें स्टॉपर वगैरह की भी अरेंजमेंट होती है ताकि जो आप ट्यूब को इसमें से पिरो रहे हो वो निकल नहीं जाए। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहां पर ये कोई 12 होल्स लगे हुए हैं, 4 रोज में 3-3 होल है, और यहां पर ये इनिशिएशन हो रहा है होल्स का। इसमें देखिए कि तीनों किस्म के डिटोनेटर्स जो नॉन एल टाइप के होते हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो ये ब्लू ट्यूब वाला जो है वो MS डिटोनेटर है इन द होल वाला जो कि होल में जा रहा है, एक येलो ट्यूब वाला है जो ड्यूअल डिले डिटोनेटर है जिसमें एक सिरे पर डिटोनेटर है MS हाई स्ट्रेंथ का, और दूसरे सिरे पर ये एक रेड ब्लॉक बताया गया है जिसके अंदर माइल्ड वाला डिटोनेटर है 25 मिली सेकेंड का या दूसरा भी कोई इंटरवल हो सकता है, और ये जो रेड ब्लॉक है इट कैन अकोमोडेट एज मेनी एज एट 8 अदर शॉक ट्यूब्स। तीसरा ये रेड ट्यूब वाला दिख रहा है जो कि नॉन एल सरफेस है जिसके एक सिरे पर ये ब्लॉक है जिसमें एक छोटा डिटोनेटर है जो ये ब्लू ब्लॉक में नजर आ रहा है, और दूसरा सिरा फ्री है। हर होल में एक इन द होल डिटोनेटर है जो ब्लू ट्यूब वाला दिख रहा है और एक येलो ट्यूब वाला ड्यूअल डिटोनेटर है, ड्यूअल डिले डिटोनेटर। यहां पर ये इनिशिएशन हो रहा है, मान लीजिए कि ये एक सरफेस नॉन एल सरफेस वाला डिटोनेटर है शॉक ट्यूब के साथ, यहां से इनिशिएशन होगा। अब इसमें जो भी डिले होगा उसके अनुसार इस होल को इनिशिएट किया जाएगा। इस होल में दो डिटोनेटर लगे हुए हैं, एक ऊपर है डायरेक्ट इनिशिएशन का, एक नीचे है इनवर्स इनिशिएशन का। ऊपर जो है वो ब्लू ट्यूब वाला दिखाया गया है, नीचे जो है येलो ट्यूब वाला वो ड्यूअल डिटोनेटर है। तो इसमें दोनों में फर्क है इसके डिले में, ताकि हम
दो डिटोनेटर का इस्तेमाल एक लंबे होल के अंदर कर सके। अब इसमें से जो ये लीड्स निकल रही है या इसमें से जो शॉक ट्यूब्स निकल रही है, चाहे वो ब्लू वाली ट्यूब हो जो कि इन द होल डिटोनेटर की है, या ये येलो वाली ट्यूब हो जो कि जिसमें रेड ब्लॉक लगा हुआ है और ड्यूअल डिटोनेटर है, इन दोनों को यहाँ इनिशिएट किया गया है सरफेस नोनेल सरफेस के द्वारा। और यहाँ पर जो ये येलो ट्यूब वाला रेड ब्लॉक वाला निकल रहा है ड्यूअल डिले डिटोनेटर, ये फिर इस होल को इनिशिएट कर रहा है। तो इसमें यहाँ देखिए कि ये यहाँ पर भी एक येलो ट्यूब वाला ड्यूअल डिटोनेटर और ब्लू ट्यूब वाला एमएस इन द होल वाला डिटोनेटर, इस प्रकार से इस होल को भी इनिशिएट किया जाएगा। अंदर जो भी होल के अंदर डिटोनेटर है वो हाई स्ट्रेंथ के होते हैं, जबकि ब्लॉक्स के अंदर जो डिटोनेटर होते हैं वो लो स्ट्रेंथ के होते हैं, विच आर जस्ट सफिशियंट टू प्रोपागेट द वेव्स विद इन द ट्यूब इटसेल्फ, इवन इट डजंट डैमेज द ट्यूब, बहुत माइल्ड स्ट्रेंथ का होता है। और साथ ही ये इधर वाला जो दूसरा यहाँ से जो निकल रहा है ड्यूअल डिटोनेटर, वो यहाँ पर अगले वाले होल को इनिशिएट कर रहा है। यहाँ से जो सरफेस निकल रहा है, ये जो सरफेस वाला है इसके साथ एक दूसरा सरफेस वाला जोड़ दिया है इन्होंने, जो रेड ट्यूब वाला है नॉन एल सरफेस, वो इसी प्रकार से इसी क्रम को यहाँ दोहरा रहा है। तो यहाँ तीनों किस्म के नॉन एल शॉक ट्यूब्स और डिटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया है और इस ब्लास्ट को अंजाम दिया जा रहा है। ये एक कॉम्बिनेशन है, हम चाहे तो ये ड्यूएल वाला सिस्टम भी हटा सकते हैं और सिंपल सरफेस वाले से भी कनेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था। तो ये मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। एक चीज और ध्यान में रखनी होती है कि ये जो शॉक ट्यूब्स होती है इनमें से जो वेव्स पास होती है उसकी रफ्तार 2 मीटर्स पर मिली सेकेंड होती है। इसका मतलब 2 मीटर का डिस्टेंस तय करेगी 1 मिली सेकेंड में शॉक वेव्स। तो जाहिर है इसकी चूंकि लेंथ रहती है कुछ, तो उस लेंथ को भी वी हैव टू कंसीडर व्हाइल इनिशिएटिंग द ब्लास्ट। मान लीजिए कि ये तीन होल है, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर मान लीजिए इनिशिएशन हो रहा है यहाँ से, और ये जो है एक सरफेस वाला, ये जो रेड दिख रहा है रेड ट्यूब वाला और रेड ब्लॉक वाला, ये एक सरफेस है स्टार सरफेस, जैसे कि एक रेड नेम दिया है। ये 25 मिली सेकेंड का नॉन एल सरफेस है। तो इस नॉन एल सरफेस ने इस इन द होल डिटोनेटर को इनिशिएट किया। अब इसमें 25 मिली सेकेंड है और नीचे मान लीजिए 500 मिली सेकेंड का होल के अंदर डिले डिटोनेटर लगा हुआ है एमएस स्ट्रांग वाला, तो ये इसका इफेक्टिव टाइमिंग होगा 525 मिली सेकेंड, जैसा कि थियोरेटिकली यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि होल की एक डेप्थ है और ये बताया गया है कि 19 मीटर लंबा ये होल है, तो 19 मीटर जो ट्रेवल करेगी शॉक वेव्स उसको जाने के लिए 19/2 यानी करीबन 9.5 मिली सेकेंड का वक्फा और लगेगा। ये 9.5 मिली सेकेंड अगर इसमें जोड़ दें हम 525 में, तो ये 534.5 मिली सेकेंड के बाद ये ब्लास्ट होगा नीचे का डिटोनेटर। अब ये 2 मीटर 1 मिली सेकेंड में की रफ्तार, ये एक अप्रोक्सीमेटली है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर ये जो होल ब्लास्ट हो रहा है इसी के साथ एक दूसरा सरफेस वाला जुड़ा हुआ है, उसके अंदर फिर एक 25 मिली सेकेंड का डिटोनेटर है। इसकी लेंथ 6 मीटर की बताई गई है लेकिन कुछ हिस्सा इसका बाहर निकला हुआ है, तो हम ये मान लें कि ये 3 मीटर के आसपास की लेंथ होगी और ये 24 मीटर की शॉक ट्यूब इसमें बताई गई है ये वाली। तो ये इस प्रकार से ये 24 मीटर की शॉक ट्यूब है, तो ये इनको जोड़ के 24 और ये 3 मीटर हम इसकी लेंथ ले ले तो 27 मीटर के आसपास हो जाता है। तो 27/2 इतना मिली सेकेंड इस 550 में फिर मिल जाएगा, तो इट कम्स टू बी अराउंड 563। तो इसमें इस प्रकार से 25 मिली सेकेंड से भी थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस रह रहा है, ये हम देख सकते हैं। उसी प्रकार ये तीसरे होल में जब आएगी तो इसमें देखिए ये पूरी पूरी लेंथ आई है इसकी 6 मीटर की, जैसा कि इसमें लिखा गया है,
और इसके बाद में ये जो है ये भी, तो इस प्रकार से ये करीब करीब 33/2 का हिसाब बैठता है और ये 591.5 मिली सेकंड के बाद ब्लास्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये डिस्टेंस के साथ साथ और जैसे जैसे हमने इसको पिरोया है, थ्रेड किया है, तो यहाँ थोड़ा सा फर्क समय में पड़ रहा है और 25 मिली सेकंड के स्थान पर ये डिले कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें ये समझने की बात यही है कि इन शॉक ट्यूब्स के अंदर जो वेव्स पास होने में समय लगता है उसको भी हमें कंसिडर करना होता है, पर्टिकुलरली व्हेन द डेप्थ ऑफ होल इज मोर। ये जब हम मेन इनिशिएशन जहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जनरली एक इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं और इसका जो बिजनेस एंड है वो जिस तरफ वेव्स को हमें भेजना है उस तरफ होना चाहिए हमारे इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का, जिसकी ये दो लीड दिखाई गई है और इस तरफ हमारा इनिशिएशन ऑफ ब्लास्ट होने जा रहा है। और आजकल नॉनेल के लिए इनिशिएशन करने के लिए कुछ ऐसी खास अरेंजमेंट होती है कि आप उसको बांधने की बजाय इस प्रकार से इस ब्लॉक के अंदर पिरो दें नॉनेल ट्यूब को और यहाँ ऐसा इलेक्ट्रिक डिटोनेटर को इंसर्ट कर दें ताकि यहाँ पर वो नॉनेल ट्यूब इंसर्ट रहेगी और इस प्रकार से बहुत ही फॉर्म इसका कनेक्शन रहेगा और कोई चांसेस नहीं रहेंगे कि इसमें कोई लीकेज हो जाए शॉक वेव्स के अंदर। तो इस प्रकार से ये मुकम्मल ब्लास्ट करने के लिए ऐसी कुछ आजकल ब्लॉक्स प्लास्टिक के मिल रहे हैं। ये यहाँ मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ एंड वील कंटिन्यू आर ब्लास्टिंग चैप्टर इन ओपन कास्ट इन लेक्चर नंबर 61 एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।